कांग्रेस के आरोपी पर पलटवार करते हुए धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक और पूर्व मेयर विनोद चमोली ने कहा कि कांग्रेस को पूरा अध्ययन करना चाहिए क्योंकि जो जमीन दी गई है वो एक्टिविटीज के लिए दी गई है। सरकार प्रदेश में पर्यटन की संभावनाएं तलाश रही है ताकि बेहतर से बेहतर पर्यटन सुविधाएं दे सके। पर्यटन एक्टिविटी के लिए जो जमीन दी गई है वो किराए पर दी गई है, ना कि बेची गई है। जब उस क्षेत्र में एक्टिविटी बढ़ेगी तो उससे पर्यटन बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को आय का नया जरिया भी मिलेगा। देखिए, उनको पूरा अध्ययन करना चाहिए। पहले जो जमीन दी गई है वो एक्टिविटीज के लिए दी गई है, जो कि पर्यटन के लिए हम लोग संभावनाएं तलाश रहे हैं कि हम कैसे बेहतर से बेहतर पर्यटन की सुविधाएं दे सकें और कैसे बेहतर एक्टिविटीज कर सकें ताकि पर्यटक यहाँ आकर्षित हो सकें, तो उसके नाते उसकी व्यवस्था की गई है। और जो जमीन दी गई है वो कोई बेची नहीं गई है, ये उनकी भी समझ में आना चाहिए कि अभी चीज़ें वहाँ डेवलप होनी है, चीज़ें की जानी है। उसके बाद भी अगर 1 करोड़ रुपये साल के वो लीज पर दी जाती है तो लीज पर देने को बेचना नहीं कह सकते आप। तो कहीं ना कहीं जमीन लीज पर गई है, एक आय का एक साधन भी बना है और उसके साथ साथ वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी तो वहाँ पर पर्यटक बढ़ेगा तो हमारे स्थानीय लोगों को उससे रोजगार जनरेट होगा, रोजगार बढ़ेगा। इसको एक बड़े पैमाने पर देखना चाहिए कि सरकार बेहतरी के लिए आगे बढ़ रही है। अच्छा, एक